नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल ट्रस्टेड न्यूज में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे केप टाउन टेस्ट में बॉल टेम्परिंग के विवाद ने क्रिकेट को फिर एक बार शर्मसार किया है। इस आरोप के बाद कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वॉर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल से छेड़छाड़ का पहला आरोप 1977 में भारत की ओर से इंग्लैंड पर लगाया गया था। इस आरोप सबसे ज्यादा 5 बार पाकिस्तानी टीम फंस चुकी है। दोस्तों, 42 साल में 12 बार आए बॉल टेम्परिंग के मामले सामने आ चुके हैं। पहला मामला, एक इंग्लैंड 1977 भारत के साथ चेन्नई में टेस्ट मैच था। कप्तान बिशन सिंह बेदी ने इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉन लेवर पर वेस्लिन से बॉल चमकाने का आरोप लगाया, हालांकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। दो, पाकिस्तान 1992, वकार यूनुस और वसीम अकरम पर लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन से बॉल रगड़ने का आरोप लगा था, हालांकि आरोप साबित नहीं हो सका। तीन, इंग्लैंड 1994, कप्तान माइकल एथरटन को लॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉल से छेड़छाड़ करते पाया गया, जिसके बाद उन पर 2,000 पाउंड करीब 2 लाख रुपये जुर्माना लगा। तीन, पाकिस्तान 2000, वकार यूनुस पहले गेंदबाज बने जिन पर बॉल से छेड़छाड़ के आरोप में प्रतिबंध लगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलंबो में हुए वनडे मैच में इस विवाद के बाद कप्तान मोइन खान और ऑलराउंडर अजहर महमूद की मैच फीस का 30% हिस्सा कटा गया था। चार, भारत 2001, पोर्ट एलिजाबेथ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में सचिन तेंदुलकर पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा, एक मैच के लिए उन्हें बैन किया गया, आरोप साबित नहीं होने पर बैन हटा लिया गया। पांच, पाकिस्तान 2002, हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में शोएब अख्तर पर बॉल को दांतों से खराब करने का आरोप लगा था। छह, भारत 2004, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जिम्बाब्वे के साथ हुए वनडे मैच में राहुल द्रविड़ पर बॉल पर जेली लगाने का आरोप लगा, मैच रेफरी क्लाइव लॉर्ड ने उन पर जुर्माना लगाया। सात, पाकिस्तान 2006, ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बॉल खराब करने का आरोप लगा। इसके विरोध में कप्तान इंजमाम उल हक चाय के बाद टीम को मैदान पर लेकर नहीं आए, बाद में इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया। आठ, पाकिस्तान 2010, पेर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में शाहिद आफरीदी पर बॉल को जानबूझकर घिसने का आरोप लगा, वे दोषी पाए गए, उन पर 2 T20 मैचों का प्रतिबंध लगाया गया था। 9, साउथ अफ्रीका 2013, पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में हुए टेस्ट के दौरान कप्तान फाफ डू प्लेसिस बॉल को पेंट की जीप से रगड़ते पाए गए, उनकी मैच फीस का 50% हिस्सा काट लिया गया, पाकिस्तानी टीम को 5 रन अतिरिक्त दिए गए। 10, साउथ अफ्रीका 2016, श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट में तेज गेंदबाज वनून फिलेंड पर बॉल से छेड़छाड़ का आरोप लगा, उन्हें मैच फीस का 75% हिस्सा गंवाना पड़ा। 11, साउथ अफ्रीका 2016, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में कप्तान फाफ डू प्लेसिस पर होबार्ट टेस्ट में बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा, लेकिन साबित नहीं हो सका। 12, ऑस्ट्रेलिया 2018, साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में हुए टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन कैमरून बेनक्रॉफ्ट पर बॉल को टेप से रगड़ने का आरोप लगा, कप्तान स्मिथ ने माना इसमें टीम शामिल थी, उन्होंने इस मैच के लिए कप्तानी छोड़ी। इसके लिए स्मिथ पर एक मैच का बैन लगाया गया और पूरी मैच फीस काटी गई। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक।